नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आरएन ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी घिर गई है। इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ आरएन से अनन्या की एक व्हाट्सएप चैट के बाद सामने आई है, जिसमें एनसीबी के दावों के मुताबिक ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है आर्यन और अनन्या के बीच। इन व्हाट्सएप चैट को एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट में सौंपा है। अनन्या से पूछताछ आर्यन की मुसीबतें बढ़ा सकती है, जिन्हें कल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। एनडीपीएस कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट को अहम माना था। हालांकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख मिल गई है, लेकिन ये आर्यन के पिता शाहरुख के लिए बड़ा साबित हो रहा है। शाहरुख ने आज आर्यन से जेल में जाकर मुलाकात की थी। आपको बता दें, 30 अक्टूबर तक बढ़ी आर्यन की न्यायिक हिरासत। ये बड़ी खबर इस वक्त इस मामले में आ रही है, यानी आप लगा लीजिए आज की तारीख से एक बार फिर अब ये मामला लंबा खींचता हुआ दिख रहा है। आज 21 तारीख है और 30 तारीख तक न्यायिक हिरासत मिल गई। हालांकि आपको बता दें, मंगलवार का दिन इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए मिल गया। इससे पहले कि हम आपको तमाम अपडेट्स मुंबई से दें, तमाम जो आज मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबसे चर्चा करें, ये रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए। आप समझ लेंगे, शाहरुख खान गए भी थे अपने बेटे से मिलने। इधर अनन्या पांडे का मोबाइल भी सीज कर लिया गया है। चंकी पांडे की वो दो बेटी हैं, दोस्त हैं ये दोनों परिवार, शाहरुख खान और चंकी पांडे के। ये रिपोर्ट देखिए जरा। आर्यन शाहरुख खान के ड्रग्स कनेक्शन की जांच की आज एक और टारगेट तक पहुंच गई है। नाम है अनन्या पांडे। अभिनेता चंकी पांडे की बेटी और खुद भी एक उभरती हुई अभिनेत्री। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन की एक ड्रग्स चैट अनन्या पांडे के साथ मिली है और इसे एनडीपीएस कोर्ट के सुपुर्द किया जा चुका है। अनन्या पर आई मुसीबत के बाद पिता चंकी पांडे कानूनी मदद खोज रहे हैं। जांच की वजह से अनन्या को एक विज्ञापन फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक अनन्या से एनसीबी आर्यन के ड्रग्स कनेक्शन का पूरा सच जानना चाहती है। एनसीबी ये राज उगलवाना चाहती है कि क्या वो आर्यन के साथ ड्रग्स लेती थी, इन ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था, कब कब ड्रग्स ली गई। अनन्या से एनसीबी के सवाल जवाब आर्यन की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं, जो 8 अक्टूबर से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन के जेल जाने के बाद पहली बार शाहरुख ने आर्यन से जेल जाकर मुलाकात की है। जेल के नियमों के मुताबिक शाहरुख और आर्यन के बीच एक कांच की दीवार और बीच में एक ग्रिल थी और बातचीत इंटरकॉम पर हुई। जेल सूत्रों ने बताया कि शाहरुख ने आर्यन से पूछा, तुम खाना ठीक से खा रहे हो ना? जवाब में आर्यन ने नाम में सिर हिला दिया, मुझे जेल का खाना अच्छा नहीं लगता। इस पर शाहरुख ने जेल अधिकारियों से पूछा, क्या हम आर्यन को घर का खाना दे सकते हैं? इसके लिए आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। तय वक्त में बेटे से मुलाकात कर बाहर निकले शाहरुख ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मुंबई के अर्थर रोड जेल के बाहर हम मौजूद है, जहां पर शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये वही कक्ष है जहां पर जो रिलेटिव्स हैं उन्हें, जो उनके इनमेट्स अंदर हैं, उनसे मिलने दिया जाता है। फिजिकल मीटिंग जो है वो कोविड की वजह से बंद थी। 21 अक्टूबर से ये फिजिकल मीटिंग शुरू हुई है और इसी रास्ते से शाहरुख खान अंदर गए। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो बाकी रिलेटिव्स हैं वो बैठे हुए हैं अंदर, जो लोग हैं उनके, उनसे मिलने के लिए। इधर शाहरुख ने जेल में बंद आर्यन से मुलाकात की तो उधर एनसीबी की एक टीम ने शाहरुख के घर का रुख किया। एनसीबी के मुताबिक ये कोई रेड नहीं थी, बल्कि जांच से संबंधित कुछ सामग्रियों को हासिल करने के लिए टीम वहां गई थी। इस बीच आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख हासिल कर ली है। अगले मंगलवार को आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुनिका सदानंद अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, एंड्रिया डिसूजा अभिनेत्री जुड़ेंगी, नासिर अब्दुल्ला अभिनेता जुड़ेंगे, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के जुड़ेंगे, एलएन राव जो कि पूर्व डीसीपी है दिल्ली के वो भी जुड़ेंगे, नवीन चोमल वकील के तौर पर जुड़ेंगे। सबसे पहले कुनिका आपके पास आते हुए, और कुनिका जी हम लोगों ने पहले भी इस तरह की चर्चा अलग अलग वक्त पर की है, रिया चक्रवर्ती के भी वक्त पर आज, लेकिन जिस तरह से एनसीबी मामले को आगे ले जा रही है, आखिर सेशंस कोर्ट ने बेल डिनाई किया, सेशंस कोर्ट ने माना कि बाहर निकलकर वो सबूतों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिस तरह से एनसीबी इस पूरे केस को ले जा रही है, क्या है आपकी राय इस वक्त? देखिए, सबूतों को इन्फ्लुएंस कर सकती है अगर कोर्ट का ये मानना है, मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन
शाहरुख खान खुद अपने आप में ही इतने पावरफुल इंसान हैं, उनके इतने अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं, आपको क्या लगता है कि दूसरे लोग नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल बेबुनियादी लगा कि आप एक जिस बच्चे से आपको कोई कुछ बरामद नहीं हुआ, आप एक व्हाट्सएप चैट पे आप इसको क्रूसीफाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, व्हाट्सएप चैट आपको मिला क्योंकि आपने उसका फोन लिया। क्या उसका फोन लेते वक्त आपने उसको ये बताया कि उसके क्या राइट्स हैं, कि भाई आपको फोन हैंडओवर करना जरूरी नहीं है, आपके लॉयर को बुलाना आप बुला सकते हैं, ये सब चीजें, बिकॉज हाउ डिड दे गेट दिस एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू मी व्हाट्सएप चैट के दम पर अगर वो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल कार्टेल है और वो नाम नहीं बता रहे, कॉपरेट नहीं कर रहे, मुझे लगता है, मैं जैसे मैंने कल भी एक शो में कहा था, ये सब बहुत बुरा प्रेसिडेंट है लॉ में और ये आम इंसान के लिए तकलीफदायी चीज है। हालांकि हमको ड्रग्स की लड़ाई में बिल्कुल जोर पुरजोर तरीके से लड़ना है, लेकिन एक साल पहले जो इतने सारे लोग समन हुए थे, जो इतने सारे बॉलीवुड को बदनाम किया, लोगों को बदनाम किया, सबके ऊपर इल्जाम लगाया, उसका क्या हुआ? हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर, इनको भी पकड़ना जरूरी है, छोटे छोटे 6 ग्राम 5 ग्राम, लेकिन ये काम एनसीबी का नहीं है। एनसीबी का काम है जो बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स है उसको उसकी सप्लाई कैसे रोकना, उनको कैसे पकड़ना, और ये नहीं हो रहा है। और यही चीज अंजना जी लास्ट में कहूंगी, यही चीज 2001 में जब अमेंडमेंट हुआ था एक्ट में, 1985 के एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, तो विक्टिम्स ड्रग यूजर्स आर कंसिडर्ड विक्टिम्स इन दिस केस। आई सी allegedly ki maybe Aryan Khan is a user or maybe he's not, but if he's a user there is to be a different treatment. aap unko jail mein dal ke qaidiyon ke sath aise, chahe wo Aryan ho chahe koi bhi bachcha ho, this is not the way to handle this drug abuse or you know a victim of drug abuse. Ellen Rao bataiye, wo puch rahe kya hua pichli baar ka, jitne logo ko bulaya tha, saman kiya tha, kya sabit ho paya? क्या उस लड़के को उसके राइट्स बताए गए थे, मोबाइल लेना, वहां से सबूत इकट्ठा, इस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए एक एक बात का जवाब देता हूँ। दूसरी बात, पहले तो सबसे पहले पुराने केस की बात जो उन्होंने की, वो केस अभी इन्वेस्टिगेशन होके पूरा हुआ है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट पता लगेगा। अभी बीच में ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस खत्म हो गया, केस खत्म नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, रिपोर्ट फाइल होती है एनसीबी की तरफ से, और उसका ट्रायल होगा। नंबर दो, फोन लेने का राइट्स जो भी है वो उनको, जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है एनसीबी या कोई पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, तो जो मुलजिम का जो उसका सस्पेक्ट का है राइट, वो सब बताया जाता है। खासतौर से एनडीपीएस एक्ट में डेफिनेटली बताया जाता है कि आपकी तलाशी अगर लेनी है तो आपका राइट है कि वो गजेटेड ऑफिसर के पास तलाशी ली जा सकती है, और या किसी मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी ली जा सकती है। ये प्रोविजन है एनडीपीएस एक्ट में, और मैं समझता हूँ कि एनसीबी ने बखूबी इस प्रोविजन को पूरा किया होगा। ये अभी जब इनको किसी को मालूम नहीं है, वो फिर ऐसे इस प्रकार के आपके नेशनल चैनल पर आकर बात करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो चीज अंदर की बात है, एनसीबी ने क्या किया है, फाइल पे क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें तो फाइल के अंदर लिखी हुई है। वो सबको पब्लिसिटी थोड़ी करनी है कि हमने ये किया हुआ है। एनसीबी नॉट बाउंड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, सब कुछ नहीं बताना कि हमने इन्वेस्टिगेशन में ये किया, ये ठीक है, करने के लिए जो कुछ बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज बार बार ये कह रहे हैं कि वॉलंटरली गेव अस द फोन, इसमें लिख रहे हैं बार बार, ये वॉलंटरी गेव अस द फोन क्यों बार बार लिख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दिया है तो दिया होगा तभी लिखा होगा ना, ऐसे जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात यह कि स्टेटमेंट जो लिखा जाता है, मुलजिम का स्टेटमेंट लिखा जाता है एनसीबी के सामने, तो एज पर लॉ जो स्टेटमेंट एनसीबी के सामने लिखा गया वो एडमिसिबल इन कोर्ट है। और कोर्ट ने अंदर नीचे देखिए, कोर्ट सारी तो सारी एनसीबी से मिले हुए नहीं है, कोर्ट ने नीचे वाली कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट थी उसने वो किया, जो एमएम कोर्ट था उन्होंने किया, फिर सेशन कोर्ट में पूरा उस केस को संज्ञान लिया, सारे एविडेंस वे करने के बाद में उसके बेल को रिजेक्ट किया है, और उसका रीजनिंग दी है क्यों रिजेक्ट किया है कि देर आर पॉसिबिलिटीज, बहुत इन्फ्लुएंसर आदमी है, इस इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया जा सकता है। नहीं, इस पर वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान तो बाहर ही है, शाहरुख खान का असर है ना, तो शाहरुख खान तो अभी भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये खान, एक बच्चा 23 साल का बच्चा और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आप। मैडम शाहरुख खान मुल्जिम नहीं है, मुल्जिम शाहरुख खान नहीं है, मुल्जिम ये है कि ऐसे कुछ बीजेपी नेता के लोग थे, रिश्तेदार भी थे, जिनको उसी टाइम छोड़ दिया गया था, आपको ये आपको पता है, और 1800 लोग क्रूज में थे। कहां गया वो सेल्फी खींचने वाला? इन्होंने कितने लोगों को चेक किया और अटैक किया, तो उसका कुछ है? देखिए गोसावी कहां घूम रहा है? मेरी जानकारी के मुताबिक वो सेल्फी खिंचवाई थी,
अंडरग्राउंड क्यों हो गया करने वाले एक बीजेपी के नेता है, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज इट विल बिकम डेफेमेशन बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड, बट उनके साले जी कनेक्टेड है, वो भी थे पहली बात नहीं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है ना कुनिका जी, एक पक्ष ये भी है कि एक व्यक्ति आर्यन खान उसके जरिए फोन चैट के जरिए अनन्या पांडे को बुला रहे, इससे पूरा बॉलीवुड कैसे बदनाम हो रहा है? और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग हैं जो खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि पार्टीज में यहाँ पर ड्रग्स सर्व होना एक आम बात हो गई है। आप इसको डिनाई करती है कुनिका जी? अंजना जी, मैं ये कह रही हूँ कि ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड की पार्टीज में नहीं हो रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो रहे, आपके मीडिया के जो कॉर्पोरेट लेवल्स पे भी होते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि एनसीपी पिछले साल से अब तक जब सक्रिय हुई है उसके बाद से 5000 किलोग्राम आए हैं, हेरोइन आया था 5000 किलोग्राम इन जून, 3000 अगेन अडानी पोर्ट पे आए थे, दोनों उसी पोर्ट पे आए थे, वो कैसे आ रहे हैं? ये प्लग करना उनका काम है, सिर्फ हेडलाइन ग्रैबिंग। ये जवाब दीजिए इसका राव साहब, राव साहब इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, जहाँ बड़ी बड़ी बरामदगी होती है उस पर तो पहले सवाल सुनिए, जहाँ बड़ी बड़ी बरामदगी होती है, जहाँ स्कूल्स कॉलेजेस पार्टीज अलग अलग जगहों पर बताया जाता है कि खुलेआम ड्रग्स सर्व हो रहा है, बच्चे जहाँ पर ससेप्टेबल हैं वहां पर तो एकदम मुंह बंद हो जाता है, वहां पर बात आगे बढ़ती नहीं है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये इनका आरोप है। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ये कौनका जी का ये सवाल बहुत सही वाजिब है कि बहुत बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं या बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स हैं वो लोकेट करना जरूरी है एनसीबी ने, और वो ये भी गोसावी कहां गायब हुआ सर? देखिए पहली बार शक क्यों हुआ जांच पर, क्योंकि गोसावी नाम के उस शख्स की तस्वीर आई, सेल्फी खिंचा रहा था आर्यन खान के साथ, और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है, कौन था? और ये खबर आई कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्यों था एनसीबी के दफ्तर में, क्यों था, क्यों सेल्फी खींच रहा ये? देखिए वो जहां तक मेरी जानकारी है वो एक विटनेस है इस केस में, और वो अंडरग्राउंड होने का मतलब नहीं, क्यों होगा वो अंडरग्राउंड, को वो वांटेड थोड़ी है, वो कोई अंडरग्राउंड नहीं है, आप क्लेरिफाई कर लीजिए एनसीबी के ऑफिसियल से। मेरी जानकारी के मुताबिक वो एक पब्लिक विटनेस था, पंच विटनेस जिसे कहते हैं, रिकवरी के टाइम में एनडीपीएस एक्ट में पब्लिक का विटनेस एक होना अहम बात होती है, वो अगर नेचुरल था या नहीं था, अगर कोई इंफॉर्मेशन तो विटनेस को साथ लेके जाते हैं एनसीबी। Public ka witness is supposed to be the punch who's supposed to see everything, not participate in it. He was participating. He's holding the hand of Aryan Khan and taking him. Is that allowed? And then he posts, wo ek photo post karte, uski liberty, Aryan Khan ki liberty aur privacy ka koi maine nahi hai. Article 21 ki koi maine nahi hai isme. To aapko, Kanika ji, aapko jo court ka verdict hai, uspe ko doubt hai kya? कोर्ट के वर्डिक्ट में पूरी एविडेंस को देखने के बाद उसकी जमानत रिजेक्ट की है, तो या तो आप ये कह रहे हैं कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। डोंट ट्राई टू कॉर्नर मी, आई एम अ इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। नो, आई एम नॉट कॉर्नरिंग यू, मैं जवाब दे रहा हूँ, जो आपने पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, हिंदी में। मैं जो आप, मुझे कोर्ट के वर्डिक्ट पे आपत्ति है कि नहीं वो इज सब ज्यूरिस मैटर, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जो तरीका है और जिस तरह जो रीजनिंग दिया गया है, आप अगर सेशन कोर्ट के जज के सामने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करते हैं, एक इंटिमिडेटिंग टैक्टिक है ये। नहीं, लेकिन सतीश माने शिंदे और अमित देसाई भी कोई छोटे वकील तो है नहीं कुनिका जी? नहीं, उनको आम आदमी कहाँ अफोर्ड कर सकता है बताइए अंजना जी। हाँ, ये तो वकीलों की कैटेगरी की बात नहीं है, ये प्रेसिडेंट जो आप कर रहे हैं लॉ में, ये प्रेसिडेंट गरीब इंसान को के लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है, और भी वकील है मेरे ख्याल से, नवीन चौबल जी भी है यहाँ पे, वो भी कहेंगे। ठीक है, मैं सबके पास जल्दी से आ रही हूँ। जल्दी से एंड्रिया डिसूजा, आपका टेक आज की गतिविधियों पर, अब अनन्या पांडे से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े सवाल जवाब कर रहा है। अंजना जी, प्लीज क्वेश्चन वापस रिपीट कर लीजिए, क्योंकि मुझे बढ़ते हुए थोड़े ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अनन्या पांडे से आज पूछताछ, अभी आपको ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई नहीं दिया अभी तक आपके, आई वॉज नॉट गोइंग थ्रू योर डिस्कशन। ठीक है, प्लीज मुझे ब्रश अप कीजिए। ठीक है, नासिर साहब इनका टेक बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। नासिर साहब, सेलिब्रिटी के बेटे होने की सजा मिल रही है आर्यन खान को? एक खास ऐसे सेलिब्रिटी बेटे होने की मिल रही होगी, हो सकता है, क्योंकि उसके भी, देखिए दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो ये कि बार बार बॉलीवुड के ऊपर आता है कि यहीं पे सारी गड़बड़ होती है, अगर सबकी व्हाट्सएप मतलब ये कि चैटों को ढूंढेंगे तो 80% जो लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो निकलेगी, तो ये बात अलग हो गई। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं कि बार बार बॉलीवुड पे जो मतलब ये कि कचरा
कि सारी गंदगी वहीं पे है, गलत है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि सुशांत सिंह के देहांत के बाद, मैं मर्डर नहीं बोलूंगा, देहांत के बाद इतनी कीचड़ फेंकी गई, इतनी गाली गलौज हुई है बॉलीवुड के खिलाफ, और ये जानी मानी साजिश थी, सोची समझी, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो लोग मेरी जान पहचान के नहीं थे, कुछ औरतें जिनको मैंने आज तक देखा नहीं था, वो आ गई कि ये वो, ऐसा लग रहा था कि सीबीआई की डायरेक्टर हैं। तो बड़ी गंदगी फेंकी जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे और भी बढ़ाया जा रहा है, और हो सकता है एक बार शाहरुख खान ने ऐसी बात ऐसी कही थी कि इनटॉलरेंस है हमारे देश में, ये 2-3 साल मतलब ये कि पहले की बात है, या फिर था, हो सकता है उनको सबक सिखाने के लिए ये किया जा रहा हो कि भाई हमारे साथ ऐसा पंगा मत लेना, हो सकता है, लेकिन गलत बात गलत होती है। सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर सारा कूड़ा फेंकना, प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन, प्रमोद महाजन के बेटे भी लेते थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, मरते मरते बचे थे वो, और उनके साथ में जो उनके सेक्रेटरी थे वो मर गए थे, कोई उन्होंने हैवी ड्रग्स जो है लिए थे, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो मेरा जाती ख्याल है कि इसने रेप नहीं किया, इट इज नॉट अ मर्डर, इट इज नॉट एनी आतंकवादी एक्टिविटी, अटेम्प्ट टू मर्डर, कुछ नहीं है, बड़ा साधारण मामला है कि उसके बाप को बोल दें अपने बेटे को समझा दो, इतना उसके कपड़े उतारना, उसको जेल जाना, ड्रग ड्रग ड्रग, हर चीज ड्रग है भाई, अल्कोहल ड्रग है। एक मेरी दोस्त है, उसने खाली शराब पी के इतने नशे में डूब थी कि वो एम्प्टी स्विमिंग पूल में जिसमें पानी नहीं था उसमें कूद गई थी, हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई थी। तो ये बात जो है ऐसे फैलाना कि मेरी जान पहचान की थी वो, मतलब ये कि फ्रेंड नहीं थी, इंटरेस्टेड थी मेरे अंदर, लेकिन व्हीलचेयर में थी, तो मैं क्या करता, तो उनके साथ मैं बैठा, बातें की, सिर्फ शराब पी के उन्होंने ऐसी हरकत कर दी। तो इतना बवाल उठाना और शेम करना और बेइज्जत करना, ये जैसे कि फूलन देवी को डाकुओं ने किया था कि ये कि नंगा उसको घुमाया था, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बात बात पे सबको पकड़ रहे हैं, अरे प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, तो समझा दो, अगर नहीं समझते तो फिर ऐसे की तैसे करो, ठीक है? नहीं, आप रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात कह रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, नहीं मैं क्यों ना बोलूं, लगातार सर बीच में सवाल भी तो सुनेंगे ना। सेशंस कोर्ट अगर डिनाई करता है बेल, तो वो तो इंटॉलरेंस वाली बात बोलने की सजा नहीं दे सकता ना, या फिर कोर्ट को भी आपको लग रहा है कि कोर्ट भी इन्फ्लुएंस्ड है? हाँ, मेरा ख्याल है कि उनको बेल दे देनी चाहिए थी, सब कुछ उनको मालूम है, सारी तैयारियां पहले से हो चुकी हैं, हल्के हल्के आगे बढ़ रहे हैं, इनको ऑलरेडी नतीजा मालूम है जो इसके ऊपर केस कर रहे हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है इसके ऊपर ज्यादा सख्ती हो रही है, ये एंटरटेनमेंट का ड्रग है भैया, ड्रग है मतलब, ठीक है मैं लौट, एंजॉयमेंट का ड्रग है, अंदर का मामला है। थैंक यू। देखिए अंदर का मामला नहीं है सर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इस देश में, उसका एक मकसद है, अंदर का वही तो अंदर का अंदर लेनी पड़ती है ना, अंदर लेनी पड़ती है ना, अंदर से खुशी, अंदर से खुशी के बबूले पड़ते ना, तो अंदर का मामला है मिस्टर, वो तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है, कानून के दायरे में हो रहा है सब कुछ, लेकिन बड़ी सारी ऐसी धाराएं लगाई हैं, कानून के दायरे में हो रहा है लेकिन ज्यादा हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी से लेकर बहुत कुछ साबित करना है, और आज उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए अनन्या पांडे से बातचीत कर रही है। अब आर्यन खान है, उनके चैटी हो रही है, अनन्या पांडे जैसे ये सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि इन्फ्लुएंस्ड है एनसीबी, इनटॉलरेंस वाले बयान का बदला ले रही है? चोमल साहब, इसके बाद दुबे साहब आ रही हूं आपके पास। गवर्नमेंट, चोमल साहब लगता है उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी अभी। दुबे साहब आवाज आ रही है तो फोन नीचे रखिए। हेलो दुबे जी। दुबे जी तक भी नहीं आ रही। राव साहब आप रिएक्ट कीजिए, देख रहे हैं आप, कुनिका जी भी कह रही हैं और अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि टारगेट किया जा रहा है एक लड़के को, इतने सारे लोग कौडिल्या में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से केस इनके और इनके मित्र मंडली पर चला रहे हैं आप लोग, इन्फ्लुएंस है ये, वो तो सीधा कह रहे हैं इंटॉलरेंस वाला जो शाहरुख खान ने बयान दिया था उसकी आज सजा उन्हें दी जा रही है।
नहीं बिल्कुल ये ऐसा लगता नहीं है। देखिए कोई केस किसी आधार पर होता है, एनसीबी ने कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड सारा काम किया है और इन्फॉर्मेशन के बेस पे नॉट ओनली आर्यन को और भी काफी लोग पकड़े गए हैं और इतने लोग कोडरिया उसमें क्रूज में थे तो सभी को तो नहीं पकड़ा है, तो कोई टारगेटेड नहीं है। किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, उनके पास ड्रग्स मिला, उनके चैट्स मिले, उनके व्हाट्सएप चैट्स मिले, उनसे कनेक्शन हुए और उसके बाद कोई कार्रवाई की गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये कहना कि किसी को टारगेट किया जा रहा है या किसी उसके बदले में कि उन्होंने अपना इंटॉलरेंस वाला बयान दिया था या ये सेलिब्रिटी के पुत्र हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जहां भी कोई ड्रग्स की गंदगी फैली हुई है उसको अगर कोई साफ कर दिया जाए तो ये फिल्म इंडस्ट्री में अगर है, ये तो सभी लोग मानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन मानते हैं कि अभी है इसमें गंदगी, तो उसको अगर साफ कर दिया जा रहा है तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए और हमारा कानून अपना काम कर रहा है, उसको बीच में इंटरफेयर करना ये अच्छी बात नहीं है और हमें अपनी जुडिशरी पे भी भरोसा होना चाहिए। जुडिशरी में जजिज है, वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते जिस प्रकार से अगर ऐसी बात एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसका मतलब तो जज साहब को इन्फ्लुएंस किया गया, जो कि ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो ये सब बातें बेफजूल बातें हैं, अब उनको देखना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है और आगे क्या रिजल्ट आएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन का स्पोर्ट अभी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट पता लगना चाहिए क्या होना है अभी, तो अभी ये सब बातें अभी बेमाने हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रही है उसको कंप्लीट होने देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बीच में कोई इंटरफेरेंस होना ठीक नहीं है। यही बात जज साहब ने भी कही है कि ये डिरेल हो सकती है इन्वेस्टिगेशन अगर बेल दे दी गई है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के लिंक्स इसमें हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल है उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो ये जी नासिर साहब एकदम सिर हिला रहे हैं, आपको अब आवाज आ रही है एंड्रिया? एंड्रिया आवाज आ रही है, आप बोलिए। मुझे भी आ रही है नासिर साहब के पास। अंजना जी, मैं सबसे पहले नसीर जी ने और कनिका जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ड्रग्स जो है ये एक गुनाह नहीं है, इट्स अ डिजीज, इट्स एक एडिक्शन है और एडिक्शन के लिए आप किसी को जेल नहीं भेज सकते हो, आप उसको रिहाब भेज दो समझ में आता है, पर आप जेल भेज के एक ऐसे यंग इंसान की जिंदगी खराब कर रहे हैं, पूरा आप उसका माइंडसेट खराब कर रहे हैं, आप उसको रिहैब भेजो समझ में आता है। अगर आपको सबसे पहले तो उससे ड्रग्स बरामद नहीं हुए और अगर हुए और अगर उसने किया तो आप उसको रिहैब भेज दीजिए, आप उसको 10-15 दिन तक आप उसको अंदर रख ही सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप एक इंसान को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको, हाँ चलिए मैं मानती हूँ कि एनसीबी को उनकी से कोई क्लूज मिल रहा है तो आप उनका फोन जब्त कर लीजिए ना, आप उनकी कड़ी नजर रख लीजिए, मगर आप उनको जेल में रख के क्या साबित करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो उनके साथ? ठीक है, चोमल साहब को दिखाई कनेक्ट हो गए हैं, आपके पास भी अदुबे साहब के पास गई थी, दोनों ऑडियन आ रहे थे। चोमल साहब बोलिए। अंजना जी, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि जो ड्रग्स का सेवन भी होता है वो बहुत बड़ा गुनाह होता है और वो ड्रग्स के जो पूरे चेन है माफिया, उसकी लिंक टेररिज्म तक जाती है और देश के शत्रुओं तक पैसा जाता है, तो ये ना ही अपने देश की युवा पीढ़ी की को खराब करती खोखला करती है लेकिन अपने देश के शत्रुओं को भी प्रबल करती है, तो ये बहुत ही भीषण अपराध होता है ड्रग्स का सेवन करना भी। रही दूसरी बात कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिए या एनसीबी को शाहरुख खान से बदला ही लेना था तो फिर उन्होंने आर्यन के ऊपर बहुत कुछ प्लांट कर दिया होता। कुनिका जी को क्या उन्हें संभव नहीं था प्लांट करना? कौन जवाब देगा? डॉक्यूमेंट में उन्होंने कुछ प्लांट नहीं किया है, वो जो कुछ किया सत्य के बेसिस पे करे, लेकिन कड़वा सत्य ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका कम्युनिकेशन जो प्राप्त हुआ है, वो जो कम्युनिकेशन दिख रहा है उसमें काफी भयानक चीजें आ रही है। इट्स अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से ड्रग्स लाना और सप्लाई करना और हमारे देश की युवा पीढ़ी को जो क्षति पहुंचेगी। कुनिका जी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वैलिड पॉइंट है या नहीं कुनिका जी? नवीन जी प्लीज डोंट मेक, ये लूज टॉक नहीं चलेगा। आपने देखा है क्या कि कितनी भयानक चीजें हैं ड्रग्स व्हाट्सएप चैट में? यू आर अ लॉयर, आप प्लीज, आई एम आल्सो एन एडवोकेट एंड आई एम टेलिंग यू प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। कोई भयानक चीज आपने देखी हो तो पब्लिक के पास क्यों नहीं है, और अगर आपके पास आई है तो कैसे आई है, आई वांट टू नो, क्योंकि आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। प्लीज अप्रिशिएट मिस्टर चोमल, जब आप बोल रहे हैं होती है आपकी बात मैंने सुनी, अंजना जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सुनने मेरी बात सुनिए।
आप मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हैं, प्लीज एक एक करके बोलिए। अब अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी से भी पूछताछ हो रही है, उनके पिता वहां पर मौजूद हैं। हालांकि समीर वांखड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, वो पूछताछ इस वक्त खुद कर रहे हैं अनन्या पांडे से, वहां पर उनकी मौजूदगी नहीं है, लेकिन वकील वहां पर मौजूद है। हमारे साथ दुबे साहब शिवसेना की तरफ से जुड़े हुए थे। ये आप वकीलों को देखिए, अब सेशंस कोर्ट ने बेल नहीं दी ना सर, तो आनंद दुबे जी ये बताइए कि कैसे इसको कहा जा सकता है कि ये पूरा इन्फ्लुएंस केस है, सरकार बदला ले रही है इंटॉलरेंस वाले कमेंट पर, ये इसका तथ्य क्या है? देखिए सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मामला न्यायालय में है। आपको और मुझको इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, न्यायालय जो फैसला सुनाएगा वो सर आपको पर होगा, ये पहली चीज है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज जो हमारे मंत्री नवाब मलिक जी ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए, उसकी जांच होनी बहुत अनिवार्य है। जब देश कोरोना काल से जूझ रहा था, कोरोना चरम पर था, तब समीर वानखेड़े जी, उनके कुछ मित्र, कुछ बॉलीवुड के स्टार, यह सब मालदीव और दुबई में क्या कर रहे थे उस समय जब पैंडेमिक था, लोग परेशान थे, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, जैसे एनसीबी है वैसे ही मुंबई पुलिस की एक एंटी नार्कोटिक सेल। आनंद दुबे जी, मॉलडीव्स एक अधिकारी नहीं जा सकता है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मॉलडीव से जाकर पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे, ये कौन सा तर्क है? उन्होंने अपने परमिशन लिए होंगे तब गए होंगे ना, इसको कैसे जोड़ रहे हैं? अगर हमारे नवाब मलिक जी ने, अगर नवाब मलिक जी ने आरोप लगाए हैं, उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके पास फोटोग्राफ्स है, तो क्या कहीं इस मामले में जाना कौन सी धारा के तहत गुनाह है, बता दीजिए। नहीं, मालदीव जाना गुनाह नहीं है, लेकिन मालदीव में फिल्म स्टार और बॉलीवुड के सदस्य साथ में हो, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का एक षड्यंत्र हो सकता है। क्या उन लोगों के इशारे पर इन्होंने ये सब किया है? कौन था साथ में? दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण, दुबे जी देखिए, आपको पूरा टाइम मिल रहा है, आप ऑन एयर बोल रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ तथ्य होना चाहिए। देखिए, मालदीव जाने के लिए उन्होंने पासपोर्ट वीजा सब लगाया होगा, गए होंगे, बड़े फिल्म स्टार्स भी मालदीव जाकर पोस्ट कर रहे थे, क्योंकि ऐसे कुछ मुल्कों में शामिल था जहां पर लोगों का आना जाना चल रहा था। अब ये तो गुनाह नहीं हो सकता, कोई भी संविधान की कोई भी धारा, कोई भी आचार संहिता, कोई भी इसमें नहीं हो सकता। लेकिन षड्यंत्र में कौन था उनके साथ फिल्म स्टार, बोलिए। अंजना जी मेरी बात पहले कंप्लीट होने दीजिए। जैसे एनसीबी है वैसे ही मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल है, जिसने 2 से 3 दिनों में कई लाखों रुपए के करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा है। लेकिन न कहीं प्रोपोगंडा है, न कहीं मीडिया में है। आप देखिए कि एनसीबी अगर अनन्या पांडे को एक नोटिस भी भेजती है तो मीडिया को सूचित करके किस गाड़ी से जाएंगे, कौन व्यक्ति जाएगा। देखिए भाई, ये आप क्या करना चाहते हैं? आप ग्लैमर करना चाहते हैं कि आप ड्रग्स पेडलर को पकड़ना चाहते हैं? बड़ी मछली को कब पकड़ेंगे आप? ठीक है, आर्यन ने गलती की है, नहीं की है, कौन फैसला करेगा? कौन सा स्टार था समीर वानखेड़े के साथ, बताइए तो? हैं? कौन सा स्टार गया था मालदीव घूमने? किसके साथ साजिश रची समीर वानखेड़े जी? ये नवाब मलिक जी ने आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी के साथ बैठ गए, बहुत ही जल्द वो इस पर खुलासा भी करेंगे अंजना जी। लेकिन जिस प्रकार से एनसीबी पिछले 2 अक्टूबर से काम कर रही है, संदेह के घेरे में है। हम चाहते हैं कि बड़े ड्रग्स पेडलर पकड़े जाए। मुंबई पुलिस की नार्कोटिक सेल रोज पकड़ रही है, लेकिन एनसीबी की तरफ प्रोपोगंडा करके ग्लैमराइज करके बाकी लोगों को भी बोले दीजिए। चोमल साहब क्या कह रहे थे, आप 2 लाइन में जल्दी बोलिए, फिर कुनिका जी के पास। देखिए, बॉम्बे की एनसीबी भी जब एंटी नार्कोटिक सेल जब पकड़ती है ना, तो पेपर में खबर आई जाती है उसकी, तो ऐसा नहीं कि प्रोपोगंडा नहीं होता है। और एक बात दुबे साहब, कहीं में भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जाता है ना, तो सरकार की परमिशन लेके जाता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो ये नवाब मलिक साहब को बता दीजिए आप। ठीक है, चलिए इस पर अलग से बात करेंगे। कुनिका जी को राव साहब को दिखाइए। राव साहब, मैं कुनिका जी आ रही हूँ। राव साहब, मुझे ये बताइए कि क्या एनसीबी प्रोपोगंडा के, ये आरोप सभी लगा रहे हैं, प्रोपोगंडा के साथ इस पूरे मामले को निपटा रही है, मीडिया को जानकारी देती है, अभी वहां पर वो कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अब उनके घर पर शाहरुख खान के जाने वाले हैं, ये आरोप कई लोग लगा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? अंजना जी,
अंजना जी ये बात बिल्कुल सही है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको सीक्रेटिव तरीके से करना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। इसको इतने पब्लिसाइज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी दो वजह हैं। अगर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन की बात छोटी छोटी बातों को बताते रहेंगे तो उसका इफेक्ट भी अलग रहेगा, क्योंकि दूसरे आदमी जो इसमें वांटेड होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी देनी नहीं चाहिए, ये मैं इस बात के लिए बड़ा सहमत हूँ कि एनसीबी को ज्यादा सीक्रेटिव रखना चाहिए। वो तो कर रहे हैं, हर कदम पे कर रहे हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी? मैं बता रहा हूं। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो इसी इमेज के जरिए जीते हैं ना, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, भरपाई की बात मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें इनको देखना चाहिए कि जो खबरें हैं वो लीक नहीं करें, और मीडिया क्योंकि इस केस को हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि ये स्टार के बेटे से जुड़ा हुआ, बहुत सुपरस्टार के बेटे जुड़ा हुआ केस है, इसलिए मीडिया भी इसको जरा ये ले रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर कर रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये इस केस के द्वारा हमारे यूथ को, जितना यूथ को लाइसेंस जरूर मिलेगा, यूथ को मैसेज मिलेगा। कुनिका जी, कुनिका जी, इतना बड़ा आदमी हो, कुनिका जी वो कह रहे हैं यूथ को मैसेज मिलेगा, और नासिर साहब को दिखाते रहिए, उनके एक्सप्रेशंस भी कई बार बहुत कुछ बोलते हैं। कुनिका जी, इससे पहले जो वक्ता थे, शायद वकील साहब थे, और राव साहब ने भी कहा कि भाई नार्को टेररिज्म बहुत बड़ी चीज है। मैं मानती हूँ कि नार्को टेररिज्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नार्को टेररिज्म 6 ग्राम चरस से नहीं, 3,000 kg जो वो हेरोइन आई थी या 5,000 kg हेरोइन, उसको आपको टारगेट करना चाहिए, वो नार्को टेररिज्म की बात है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 21,000 करोड़ अफोर्ड कर सकता है? तो बहुत ही पावरफुल इंसान है। और ये जो ड्रग्स अगर देश में फैल जाते, 5,000 kg कहाँ गए वो पता नहीं, और 3,000 उन्होंने जब्त किए हैं, अगर ये फैल जाता तो पूरा देश बर्बाद होता। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, दो तीन बातें अंजना जी, क्योंकि मैंने पहले भी आपकी टीम को कहा था कि मुझे 6:45 निकल जाना है, तो मैं बोल के जाऊंगी। मैं जैसे पहले कह रही थी कि अंडर 51 CRPC एक अरेस्टी को उनका हक है कि भाई आप जब पुलिस ऑफिसर या जो आपको अरेस्ट करेंगे तो आपके जो पर्सनल, कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो हक देता है, 23 आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड, और यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मैंने जो फोन की बात की, उसके लिए उनको एक वारंट लेना चाहिए था, सर्च वारंट। क्या वो वारंट उन्होंने दिखाया आर्यन खान को? आपके माध्यम से मैं पब्लिक को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब सर्च के लिए लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, आपको पूरा हक है कि सबसे पहले आप उनका सर्च करें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लांट करते हैं। तीसरी बात, जो दुबे जी ने कहा, ये एकदम फालतू मतलब डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, कोई भी ऑफिसर के ऊपर आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। ऑफिसर्स की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, उनको रेड टेपिज्म के थ्रू जाना होता है, उनको बहुत मुश्किल से अपने काम करते हैं, और वो कहीं पे भी जाए, अपनी बीवी बच्चों को लेके कहीं पे किसी के साथ भी जाए, वो अलाउड है। और रहा सवाल पब्लिसिटी का, अंजना जी आपके ही चैनल पे मैंने पिछले साल कहा था कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो बार बार कह रही है अब हम ये होने वाला है, और इसको अरेस्ट करेंगे, और ये शक के दायरे पे है, ये अच्छी बात नहीं है। आई एम ग्रेटफुल कि राव साहब ने अग्री किया कि पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजों के लिए, और ये क्यों कर रहे हैं? तो ये सिर्फ हेडलाइन ग्रैबिंग क्यों हो रही है? ANC जब कुछ बरामद करती है तो उसके बारे में बातें इससे नहीं होती, क्योंकि ANC इज नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली द बॉलीवुड एक्टर्स एंड दीस पीपल आर टारगेटिंग फॉर 6 ग्राम। ठीक है, रेलेवेंट पॉइंट्स। चोमल साहब जवाब दीजिए इसका, फिर नासिर साहब बोलेंगे। संविधान के अनुसार जो मीडिया है हमारे 14 स्तंभ है, और जो ट्रांसपेरेंसी होती है गवर्नमेंट फंक्शनिंग की, वो मीडिया तक एक विशिष्ट जानकारी दी जाती है। तो एनसीबी जो जानकारी दे रही है वो एक लिमिटेड स्कोप के अंदर दी जा रही है, और उसके आगे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एनसीबी ही जानती है कि क्या प्रूफ है उनके पास में। वो आपके भी संज्ञान में नहीं और मेरे संज्ञान में भी नहीं है। वो जब चार्जशीट फाइल होगी तो ही कोई ले सकता है उसको, तो ये बात आप रेस्ट एश्योर्ड रही है। तो इसलिए आज अपन एनसीबी के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकते इस विषय में, आप समझिए, बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और रही दूसरी बात, एनसीबी के जो प्लांटिंग की, जैसे आप वापस विषय किया है, प्लान करना चाहते तो बहुत कुछ प्लान कर सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया। उनके पास जो मटेरियल आ रहा है, उनका जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन काफी डिस्टर्बिंग है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और न्यायपालिका पे विश्वास कीजिए, और ऑनरेबल स्पेशल जज ने उसका विचार किया है और मैं रिजेक्ट किया है। नासिर साहब, एक तरफ टारगेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो शाहरुख के बेटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका एडवांटेज भी तो नहीं मिलना चाहिए जी।
हाँ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा बड़ी सीधी सादी कि मैं चाहे वो अमिताभ बच्चन के बेटे होते, अक्षय कुमार के, ओम पुरी, अमरीश पुरी या जो भी पुरी, मैं यही कहता कि ये ऐसा जो उनको ये जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी बच्चे। अब आई एम अ मुस्लिम, लेकिन मैं मतलब ये खान नहीं हूँ, लेकिन मैं शाहरुख खान का फैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा ये। इसमें धर्म और भी रास्ते हैं, लेकिन एक मिनट, मैं क्यों, मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी अब्दुल्ला है, तो हो सकता है मैं शाहरुख खान की सब, इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी होता, कोई भी धर्म का होता, सुरभजीत सिंह, मैं एक मिनट, बीच में मत बोलो, मुझे भाषण मत दो, ठीक है। मेरा ये कहना है कि देखिए, इट इज नॉट अ संगीन क्राइम, संगीन, इट इज नॉट रेप, इट इज नॉट मर्डर। बात बड़ी सीधी है, अगर किसी ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कंजम्पशन करने का इरादा था, लिया भी नहीं था, इतना उसको बदनाम कर रहे हैं, ये आर्यन खान के साथ ये, इसके घर में जाके इसके कपड़े उतार रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने सुशांत सिंह के मामले में ऐसा ही किया था, कोई पार्टी में गई थी, उसको बुलाया, तू गई थी, क्या लिया था, चरस पी। पुराने व्हाट्सएप, 2.5 साल पुराना व्हाट्सएप, जो कि गवर्नमेंट को हक नहीं बनता, उन्होंने निकाल के कुछ कहा था कि भाई माल है, माल का मतलब मर्द हो सकता है, औरत हो सकती है, अपना शराब हो सकती है, ड्रिंक हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं। तो इतना तंग किया लोगों को, भाई अच्छी तरह पेश आओ ना, ये एंटरटेनमेंट का मामला है, वार्निंग करके छोड़ो, उसके बाप से बात करो। इतना लंबा चौड़ा इसके रेड, उसके रेड, कपड़े उतार के बेइज्जत कर रहे हैं। अब ऋषिकेश में 20% जो वहां के सन्यासी हैं गांजा पीते हैं रोज, तो जेल भर जाएंगे हमारे, लेकिन वो माइनर ड्रग होता है, जो गांजा होता है वो करोड़ों साल से लोग जो है पीते आ रहे हैं। हैवी ड्रग्स का मामला दूसरा है, मैं मानता हूं सीरियस क्राइम है, लेकिन जरा सा तो मतलब ये नहीं, गलत बात मेरे मुंह में मत डाली। मैं ये कह रहा हूँ, इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज नॉट बलात्कार, बलात्कार नहीं है, देशद्रोही है, कुनिका जी ये गलत है। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा, क्यों बार बार मेरे मुंह में डाल, Are you stupid? मैं इसलिए mind your language, नहीं लाना चाहिए, मैं नासिर अब्दुल्ला, mind your language, आप अपनी भाषा पे, कुनिका जी भी बोल रहे, कुनिका जी देखिए इनकी भाषा, नासिर साहब quiet, No, मैंने ये कहा था, कोई भी एक्टर हो, कोई भी एक्टर हो, उसके बेटे को मैं माफ करना चाहूंगा, आपको मदद की जरूरत है नासिर अब्दुल्ला। अंजना जी, प्लीज, यू स्टॉप, यू नीड हेल्प। नासिर साहब प्लीज, वी रिस्पेक्ट यू, प्लीज डोंट स्पीक लाइक दिस। अंजना जी, मैं जाने से पहले आपको, अंजना जी जाने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगी। इसमें ये इन्वेस्टिगेशन में और ट्रायल के दौरान ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि आर्यन खान को कहां अरेस्ट किया था, अगर वो क्रूज पे था या लैंड पे था, और अगर लैंड पे थे तो ये क्रूज पे थे तो ये जो ऑफिसर आए थे जो क्रूज पे, उनके जो 18 ऑफिसर है जितने भी थे, उनके लिए किसने टिकट खरीदे, 80,000 का एक टिकट था, ये सारी चीजें भी एनसीबी से पूछनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि आप या तो सीसीटीवी फुटेज का होगा कि भाई आपने अगर अरेस्ट किया तो, अगर लैंड पे अरेस्ट किया तो उसका सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, बिकॉज वो पोर्ट कंप्लीटली इज कवर्ड कंप्लीटली विद ऑल विद कैमरास, सो ऑल दीज क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड एंड देन ओनली वी विल नो वेदर इट्स एन इम्पार्शियल अरेस्ट। और इस जांच की स्क्रूटनी होगी, अभी हाईकोर्ट मूव कर चुके हैं और ट्यूजडे को सुनवाई होनी है, और शायद इसीलिए एनसीबी भी अपनी तरीके से तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि हायर कोर्ट में ज्यादा स्क्रूटनी होगी। बेल यहां पर तो रिजेक्ट हो गया सेशंस कोर्ट में, लेकिन वहां एनसीबी को अपना मामला प्रूव करना पड़ेगा। हमारा आज का सवाल था कि क्या क्रूज शिप में जो जांच है ड्रग्स केस में, जांच कम सुर्खियां ज्यादा बटोर रही है? आपके जो जवाब हमें मिले, 35% ने हाँ कहा है जबकि 65% ने नहीं कहा है। आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।